इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया 2021। दोस्तों इंग्लैंड की टीम साल 2021 के शुरुआत में ही भारत का दौरा करने वाली है, जहां पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच काफ़ी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी रोमांचक सीरीज खेली जाएगी। आपको बता दें कि इंग्लैंड के भारत दौरे पर सबसे पहले 4 टेस्ट मैचों की एक बड़ी सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद 5 T20 मैचों की बड़ी सीरीज खेली जाएगी, जबकि लास्ट में जाकर 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जो कि इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 5 फरवरी 2021 से और 28 मार्च 2021 तक यह सीरीज खेली जाएगी। और अब यहां पर फाइनली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने इंग्लैंड के T20 टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है भारत के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए, जो कि एक मजबूत टीम का चयन किया है। टीम में कई सारे खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है। टीम में एक से बढ़कर एक जबरदस्त बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाजों को शामिल किया गया है। ओवरऑल यह इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को काफी टक्कर देने वाली है, खासतौर पर T20 सीरीज में। तो पूरी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर ले। दोनों ही पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पर ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 T20 मैचों की सीरीज के बारे में, जिसके लिए इंग्लैंड के 16 सदस्य टीम का चयन किया है। आपको बता दें कि यहां पर इंग्लैंड के T20 स्क्वाड में जोफ्रा आर्चर, जो कि इससे पहले इंजर्ड थे, उनकी वापसी हुई है, जबकि बेन स्टोक को भी टीम में शामिल किया गया है T20 सीरीज के लिए, ये भी पहले बाहर चल रहे थे। तो कुछ इस तरह से इंग्लैंड का T20 टीम स्क्वाड भारत के खिलाफ है। नंबर 1 पर योन मार्गन, इंग्लैंड टीम के बल्लेबाज और कप्तान। नंबर 2 मोइन अली, बेहतरीन ऑलराउंडर। नंबर 3 पर जैसन रॉय, ओपनर बल्लेबाज। नंबर 4 डेविड मलान, इस टाइम पर T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि नंबर 5 पर बेन स्टोक, बेहतरीन ऑलराउंडर। नंबर 6 जोफ्रा आर्चर, खतरनाक तेज गेंदबाज। नंबर 7 जॉनी बेरिस्टो, ओपनर बल्लेबाज। जबकि नंबर 8 पर सैम बिलिंग्स, यंग विकेट कीपर बल्लेबाज, वैसे मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी करते हैं। जबकि नंबर 9 पर जोश बटलर, T20 स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज। नंबर 10 पर सैम करन, युवा ऑलराउंडर जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। नंबर 11 टॉम करन, ये भी एक ऑलराउंडर माने जाते हैं, हालांकि ये एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। नंबर 12 क्रिस जॉर्डन, डेथ ओवर के बेहतरीन गेंदबाज, T20 स्पेशलिस्ट। जबकि नंबर 13 पर आदिल रशीद, बेहतरीन स्पिनर। नंबर 14 मार्कोड। नंबर 15 डेविड विली। जबकि नंबर 16 पर टॉम बेंटोन, युवा बल्लेबाज। तो ये तो इंग्लैंड का टीम स्क्वाड भारत के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैचों के सीरीज के लिए, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने शुरुआती 16 सदस्यीय टीम स्क्वाड जारी किए हैं, जो कि संभावित टीम स्क्वाड अभी तक ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ये सारे ही खिलाड़ी होने वाले भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम में। अभी तक ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म इस वजह से नहीं किया, क्योंकि COVID-19 की वजह से अगर कोई भी खिलाड़ी अपना नाम वापस लेता या फिर किसी और रीजन से, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उसकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लेगी इंग्लैंड के भारत पहुंचने से पहले। क्योंकि जब एक बार इंग्लैंड की टीम भारत पहुंच जाएगी, तो COVID-19 की वजह से अगर इंग्लैंड की टीम को रिप्लेसमेंट बुलाना होगा, तो फिर दोबारा इंग्लैंड से नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि फिर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पीरियड में रहना पड़ेगा उसे खिलाड़ियों को। आपको बता दें कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच सबसे पहले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद T20 की शुरुआत होगी, जहां पर 5 T20 मैचों की सीरीज है। पहला T20 मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में। दूसरा T20 मैच 14 मार्च को, तीसरा T20 मैच 16 मार्च को, जबकि चौथा T20 मैच 18 मार्च को, और पांचवा और आखिरी T20 मैच 20 मार्च को खेला जाएगा। यह पूरी T20 सीरीज सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में नई, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।